तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को Rummy.com ऐप से पैसा विड्रॉल कैसे करना है इसके बारे में बताने वाला हूं। यानी कि दोस्तों, Rummy.com ऐप से पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करना है इसकी फुल प्रोसेस, और दोस्तों बैंक अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, आप सभी के सामने बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के बाद पैसा भी ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूं। तो बस दोस्तों, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और हां फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, अगर आप भी Rummy.com ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो यहां पे मैंने Rummy.com ऐप को ओपन करके रखा है। और दोस्तों, आप देख सकते हो इस गेम में यहां पे मैंने गेम खेलकर आप देख सकते हो 415 रुपीज यहां पे मैंने विन करके रखा है। तो दोस्तों, इस पैसे को मैं मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो उसके लिए बैंक अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है और पैसा विड्रॉ कैसे करना है यहां पे मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, यहां पे आप देख सकते हो कोने में ये जो 3 लाइन है, इस 3 लाइन पे आपको ऐसे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पे केवाईसी वाले ऑप्शन पे आपको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हो यहां पे मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई है और केवाईसी वेरिफिकेशन आप देख सकते हो, आधार कार्ड यहां पे मेरा वेरीफाई है, अपलोड करके यहां पे शो कर रहा है। इसका मतलब यहां पे मैंने केवाईसी जो है वो कंप्लीट करके रखा है, तो यहां से मैं बैक आ जाता हूं। तो दोस्तों, आपको भी सबसे पहले केवाईसी को कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आपको वापस इस 3 लाइन पे आपको ऐसे क्लिक करना है। आप देख सकते हो 3 लाइन पे क्लिक कर दिया। अभी आप देख सकते हो विड्रॉल, तो विड्रॉल वाले ऑप्शन पे आपको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट चेक करना होगा तो विड्रॉल डिटेल पे जाना है। अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो रिक्वेस्ट विड्रॉल वाले ऑप्शन पे आपको ऐसे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरा टोटल बैलेंस 400 के ऊपर कुछ था, तो अभी मेरा बैलेंस यहां पे आप देख सकते हो यूआर विड्रॉलेबल बैलेंस 373 रुपीज। यानी कि दोस्तों, यहां पे आपका जितना भी बैलेंस शो करेगा, विड्रॉलेबल बैलेंस आपका जितना भी रहेगा ना, उतना पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहां पे एंटर अमाउंट आप देख सकते हो, मिनिमम यहां पे 100 रुपीज आप विड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों, 100 रुपीज को यहां पे मैं कैंसिल कर लेता हूं और 200 रुपीज यहां पे डाल देता हूं, क्योंकि यहां पे मैं 200 रुपीज जो है वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। आप देख सकते हो यहां पे आपको बैंक अकाउंट वेरीफाई करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो एंटर यूपीआई आईडी। तो दोस्तों, आपको यहां पे यूपीआई आईडी डालना है, जो कि दोस्तों आपको फोन पे या गूगल पे में आपको मिल जाएगा। जैसे कि समझ लो कि आप गूगल पे नहीं तो फोन पे यूज करते हो, तो आपको वहां पे एक यूपीआई आईडी मिल जाता है। फोन पे में भी आपको मिलेगा, और दोस्तों आपको मिलेगा यहां पे पेटीएम में भी मिलेगा, और गूगल पे में भी आपको यूपीआई आईडी मिल जाएगा। वो यूपीआई आईडी आपको बस यहां पे डाल देना है। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो यहां पे मैंने एक मेरा यूपीआई आईडी डाल दिया है, फोन पे का मैंने यूपीआई आईडी डाला है, यहां पे आप देख सकते हो डाल दिया, अमाउंट भी डाल दिया। अभी आप सभी के सामने वेरीफाई एंड प्रोसेस, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको ऐसे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हो यहां पे विड्रॉइंग अमाउंट 200 रुपीज, विड्रॉइंग टू, यहां पे यूपीआई आईडी शो कर रहा है। तो दोस्तों, यहां पे एडिट करके आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आप देखो केवाईसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, केवाईसी डॉक्यूमेंट यहां पे स्टेटस जो है वो अप्रूव यहां पे बता रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां पे हमें जो यहां पे आप देख सकते हो पैन कार्ड यहां पे नॉट सबमिटेड दिखा रहा है, तो यहां पे हमें पैन कार्ड अपलोड करना होगा। जैसे कि पैन कार्ड को वाले ऑप्शन पे आपको ऐसे क्लिक करना है, एंटर पैन नंबर, और यहां पे अपलोड प्रूफ, आपको यहां पे एक पैन कार्ड का प्रूफ यहां पे डाल देना है और आपको सबमिट कर लेना है। तो दोस्तों, यहां पे मैं मेरे पैन कार्ड का डिटेल यहां पे डाल देता हूं और आप सभी को दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो यहां पे मैंने पैन कार्ड नंबर यहां पे डाल दिया है। अभी दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो यहां पे अपलोड करके आएगा, तो यहां पे आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और दोस्तों, आप देख सकते हो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको ऐसे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो टेक फोटो, यहां पे आप फोटो भी ले सकते हो, नहीं तो फोटो लाइब्रेरी, यानी कि यहां पे आप क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी ओपन होगी। तो यहां पे आप देख सकते हो मैं मेरे पैन कार्ड का फोटो ले लेता हूं और यहां पे आप सभी के सामने अपलोड कर देता हूं। आप देख सकते हो ऐसे दोस्तों, आपको यहां पे अपलोड कर लेना है। आप देख सकते हो मैंने अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, यहां पे थोड़ा लोड लेगा और दोस्तों यहां पे अपलोड करके आ जाएगा। तो दोस्तों, समझ लेना कि आपका पैन कार्ड यहां पे वेरीफाई हो चुका है और बस यहां पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको ऐसे क्लिक कर लेना है। तो सबमिट वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों, ये 200 रुपीज जो है आपके यूपीआई आईडी में इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों, यहां पे रीअपलोड करके आ चुका है, इसका मतलब दोस्तों यहां पे मेरा पैन कार्ड जो है यहां पे वेरीफाई नहीं हुआ है। आप देख सकते हो एंटर पैन कार्ड करके वापस आ चुका है। तो दोस्तों, लेकिन इसी तरह से दोस्तों आपको पैसा विड्रॉ करना है तो आप बड़ी आसानी से दोस्तों इस एप्लीकेशन से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो बस दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।